दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके के अमृत विहार में मंगलवार देर रात एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के सिर और चेहरे पर वार कर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 65 साल के चरण सिंह के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार चरण सिंह पेशे से प्लंबर थे, वो कुछ लोगों के साथ स्वरूप नगर इलाके में रहते थे। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान दोस्त से विवाद हो गया, इसी दौरान किसी ने सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। करीब 11 बजे किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी कि अमृत विहार में एक घर के अंदर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि चरण सिंह घर के अंदर कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे और बाकी कमरों का ताला भी खुला हुआ था। लेकिन जिस बेरहमी से चरण सिंह की हत्या की गई है उसको देखते हुए मामला लूटपाट से ज्यादा आपसी रंजिश का नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन स्वरूप नगर थाना इलाके में घर के अंदर ही बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से कहा जा सकता है कि अब बुजुर्ग अपने घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, जिस पर कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी। साल की सर उम्र है इनकी, तो प्लम्बर का काम करते थे सर ये, और ये सर आज शाम के टाइम काम करके आए। उसके बाद में 8:30-9 बजे से हमने इनसे बातचीत हुई है। उसके बाद में 9:30-9 बजे पता चला कि ये किसी ने इनका मर्डर कर दिया। कैसे मारा आप लोग जब गए तो किसी जब गए स्थिति सर आंख नाक सब डैमेज हो रखी थी उनकी। वहाँ पे या तो किसी पत्थर से या किसी भारी पाइप से या फिर हथौड़े से मारा इनको। उसी बाद हमको पता चला कि जब हम गए उनके पास किसी से झगड़ा वगैरह सर किसी से कुछ नहीं हुआ सर। क्या काम करते थे, कितनी उम्र? उम्र इनकी 65 साल होगी। क्या काम करते ये सर? बर्मे का काम करते थे, बर्मा लगाते थे, फिल्म भरते थे सर। अब काफी आदमी दो दो तीन बंदे थे उसमें, तो नाम आया विजय है, संजय है, एक जगह सरबू है, तीन बंदे थे उनके साथ में।